नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज बहुत ही जबरदस्त कीपैड फोन लेके आए, एक महीने बैटरी बैकअप के साथ में। तो गाइस बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, कोई ऐसा कीपैड फोन दिखाएं जिसके अंदर वन मंथ का बैटरी बैकअप हो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक महीने का बैटरी बैकअप मिलेगा, साथ में इनफोकस का है पावर वन, जिसके अंदर आपको फेसबुक और व्हाट्सअप जैसे बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। तो ऐसे आज हमारे पास दो फोन है, रिंगमी का R1 Plus है जिसमें आपको बिग साउंड, बिग बैटरी, बिग स्पीकर मिलेगा। तो अगर आप अच्छा कीपैड फोन ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर हम आपको लिए दो फोन लेके आए हैं। दोनों बहुत ही जबरदस्त फोन है जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सारे फीचर्स हैं। इसके अंदर क्या कुछ ऑफर है, कौन सी आपको सिम चलानी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप ध्यान से देखना, अगर अच्छा कीपैड फोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना है। दो फोन है, दोनों को अनबॉक्स करूंगा और आपको यह दिखाता हूं कि कौन सा फोन इसमें जबरदस्त है और कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी फोन आपको पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए गाइस मैंने दोनों फोन कुछ इस तरीके से लगा दिया। यहाँ पे रिंगमी का मोबाइल है, R1 Plus मॉडल नंबर है, 3000 mAh की बैटरी है। साथ में अगर मैं फीचर्स की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे वाइब्रेटर है, व्हाट्सअप मिल जाता है, फेसबुक, GPRS सिस्टम, ऐसे बहुत सारे लॉन्ग बैटरी के साथ में ये मोबाइल है और बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए इसको भी आपको एक बार दिखाते हैं। दूसरा मॉडल आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 120 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में इनफोकस कंपनी का फोन है, पावर बन मॉडल नंबर है, सुपर बैटरी, इसमें आपको सुपर बैटरी, फेसबुक और वाइब्रेटर साथ में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस एक एक करके आपको दोनों फोन दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ हमें फीचर्स मिल जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त ये फोन हमें मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है जिसमें यहाँ पे इनफोकस पावर बन लिखा हुआ है, 2500 mAh बैटरी है, फेसबुक इसके अंदर चला सकते हैं और फेसबुक के साथ में यहाँ पे वायरलेस FM है और वाइब्रेटर भी मिल जाता है। तो चलिए आपको यहाँ पे फोन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको फोन दिखाते हैं, फोन में हमें क्या क्या मिल जाता है और किस कंडीशन में फोन है। आप देख सकते हैं फोन की पैकिंग कुछ इस तरीके से, जिसमें हमें कैमरा स्पीकर मिल जाता है, ऊपर के साइड में हमें टॉर्च मिल जाती है, और बात करेंगे इसमें नीचे के साइड में एक V8 का चार्जर मिलता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। काफ़ी मोटा मोबाइल है जिसके अंदर हम 2500 mAh की बैटरी डालने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ बैटरी मिल जाती है। जैसे कि एक महीने का बैटरी बैकअप हमें मिलता है, तो ये देखेंगे कि हमें एक महीने का मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक हमें यहाँ पे चार्जर मिल जाता है, V8 का चार्जर है, और दूसरा यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाता है, 1 साल की आपको वारंटी कार्ड मिलता है। तो चलिए गाइस बैटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2500 mAh की बैटरी है जो इसके अंदर, मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूसरा फोन भी मिल जाता है, तो चलिए उसको भी एक साथ ही चालू करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए आपको एक बार यहाँ से दोनों फोनों में बैटरी डाल देते हैं। तो चलिए पहले इसमें बैटरी डालते हैं, उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगा। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको एक नैनो, एक माइक्रो सिम डालनी है, और दो सिम वाला ये मोबाइल है। इनफोकस कंपनी का फोन है जो मैंने आपको यहाँ पे मॉडल दिखाया हुआ है, और आपको इसमें 32 GB तक का मेमोरी कार्ड डालने को मिलेगा, 1 साल की आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा। और ये बैटरी जो है इसके अंदर एक बार डाल देते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर बैटरी डाल देते हैं। आपको दिख रहा होगा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बैटरी हमें काफ़ी अच्छी चल जाती है। तो यहाँ पे ये फ़ोन हम कर देंगे चालू गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन हमने चालू कर दिया, इसके साथ में हमें दूसरा फ़ोन भी आया है, रिंगमी का है R1 Plus, जिसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा, आप फोन देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। तो गाइस इस फोन के अंदर हमें एक कैमरा मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे रिंगमी लिखा हुआ है। ऊपर के साइड में हमें बिग टॉर्च मिल जाती है, नीचे के साइड में हमें V8 का चार्जर मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। तो चलिए इसमें भी एक बार बैटरी डाल देते हैं। तो इसमें हमें जो बैटरी मिल जाती है वो हमें मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और एक हमें V8 का चार्जर मिल जाता है गाइस। चलिए एक बार इसमें भी बैटरी डाल देते हैं और आपको इसके सारे फीचर्स दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें बहुत सारे फीचर, जैसे कि GPRS सिस्टम है, वाइब्रेटर है, और व्हाट्सअप है, बिग बैटरी, GPRS सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए इसमें भी एक बार बैटरी डाल देते हैं, और इस फ़ोन के अंदर मैंने बैटरी डाल दी है, तो दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो गाइस इसमें बैटरी डालने से पहले आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको दो सिम डालनी है, एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और ये रिंगमी का मोबाइल है, 3000 mAh की बैटरी है। चलिए इसमें भी एक बार बैटरी डाल देते हैं और आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो चलिए इसमें भी बैटरी डाल दिया, और बैटरी के डालने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज़ है वो 1.8 इंच का डिस्प्ले साइज़ दोनों में मिल जाता है, और मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना बैटरी इसमें चल जाती है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे फेसबुक और सुपर बैटरी के साथ साथ में हमें 120 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। साथ में अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो
तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें बैप सिस्टम मिल जाता है, GPRS सिस्टम मिलता है, और इसको अगर ओके करते हैं तो यहाँ पे URL डाल के आप फेसबुक यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे GPRS सिस्टम के साथ में यहाँ देख सकते हैं आप कोई भी चीज़ लॉगिन करेंगे, यहाँ पे गूगल आप इजीली चला सकते हैं, गूगल के साथ आप फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, 1.8 इंच की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, वाइब्रेटर साथ में फ़ोन में मिलेगा। बहुत सारे फ़ोनों में वाइब्रेटर नहीं होता, तो इसके अंदर वाइब्रेटर भी है और बिग बैटरी भी है। और साथ में यहाँ पे डिजिटल कैमरा मिल जाता है गाइस, यहाँ पे डिजिटल कैमरा मिलता है, ब्लूटूथ का फंक्शन मिल जाता है, और इसके अंदर 32 GB तक की आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। और बात करेंगे बैटरी की तो 2500 mAh बैटरी है, वायरलेस FM चल जाता है, और बिग LED टॉर्च मिल जाती है जो ऊपर के साइड में मिल जाती है, GPRS सिस्टम मिल जाता है, मल्टी लैंग्वेज के साथ में ये फ़ोन हमें मिलता है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको एक बार यहाँ से चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको अलार्म है, टॉर्च है, कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं, और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें कैमरा भी मिल जाता है, अगर कैमरा चलाएंगे साउंड रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें साउंड रिकॉर्डिंग के साथ में म्यूजिक प्लेयर है, वेब सिस्टम मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, वॉइस चेंजर मिल जाता है, इमेज डायरेक्ट मिल जाता है, और इसके अंदर हमें वीडियो रिकॉर्डर मिल जाता है, साउंड रिकॉर्डर, ब्लूटूथ मिल जाता है। और देखो ये अलग अलग करके बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पे GPRS सिस्टम है, और सारे देखो यहाँ पे आपको डिजिटल जो कैमरा मिलता है, और कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त है और साफ़ सुथरा यहाँ पे कैमरा भी चल जाता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, ये फोटो खींचेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप मेमोरी कार्ड डाल के फोटो भी खींच सकते हैं इसके अंदर। साथ में दूसरा फ़ोन है, अगर आप फेसबुक चलाएंगे तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और दूसरा फ़ोन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिंगमी का है R1+, जिसके अंदर मैं आपको बात करता हूँ तो 3000 mAh की बैटरी है। तो देख सकते हैं इसके अंदर डुबल सिम चल जाता है, और यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, FM रेडियो है, और यहाँ पे MP3 MP4 प्लेयर मिल जाता है। और बात करेंगे यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज की तो बहुत सारी आपको लैंग्वेज भी मिल जाती हैं, और यहाँ पे WhatsApp चलाने को मिलेगा, GPRS सिस्टम मिल जाता है, और जो बिग बैटरी बताई गई थी तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लगी भी है, 3000 mAh की बैटरी भी लगी हुई है। और इसमें जो WhatsApp की बात करी थी तो आप देख सकते हैं इसमें हमें WhatsApp भी चलाने को मिल जाता है। तो इसके अंदर रिंगमी का मोबाइल है, तो कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे को इनफोकस का मोबाइल सबसे बेस्ट लग रहा है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे सुपर बैटरी के साथ में ये फ़ोन मिलता है। और ये फ़ोन मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये फ़ोन में हमें ये फ़ोन भी बहुत ही सस्ता आएगा इस, यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी के साथ में, तो ये फ़ोन मेरे को ठीक नहीं लगा गाइस, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारे फंक्शन है वो भी मेरे को ठीक नहीं लगे। बाकी इसके अंदर हमें देखो फेसबुक भले ही चलाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फीचर्स फंक्शन भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। और साथ में अगर बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 महीने का बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल 1 हफ्ते तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है, क्योंकि जितना बोलते हैं इतना चलता नहीं है, कम चलता है गाइस, इस वजह से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये फ़ोन भी वैसे काफ़ी अच्छा है, और ये फ़ोन भी सस्ता आता है, 899 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का फ़ोन आपको मिल जाएगा। और कंपनी भी अच्छी है, रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रही है, और फ़ोन भी अच्छा है। ऑफलाइन में फ़ोन ये अवेलेबल है गाइस, ठीक है, तो ऑनलाइन में ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है, 1299 रुपये इसकी MRP है, 1000 रुपये तक का आपको इजीली मिल जाएगा ऑफलाइन में। तो ये दो फ़ोन थे, दोनों मैंने आपको दिखाए, इसके सारा सामान वगैरह दिखा दिया, हमें क्या क्या मिला हुआ था, जैसे कि देख सकते हैं बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन फोकस का लोगे तो ये वाला फ़ोन बिल्कुल बेकार है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैंने आपको जो जो था सब कुछ बता दिया, इनमें से आपको अगर अच्छा लगा मोबाइल तो ये पावर बन लेके कमेंट कर देना, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।